व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं डेमन हंटर का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इसका पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो क्या वेट कर रहे हो, जाकर चेकआउट कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था यानी कि मैंग जुआन, उसको वहाँ पर अलग पावर मिल रहा था और वहीं पर उसका फादर और उसका मास्टर वहाँ पर डेमन से फाइट करने को तैयार थे। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग चारों पाँचों एक दूसरे के सामने खड़ा थे, जहाँ पर सैन हुआ अपने पपच को इशारा करता है, आदेश देता है मैंग जुआन के फादर पर अटैक करने के लिए, जहाँ पर मैंग जुआन का फादर एक के शॉट से बचते हुए दूसरा का अटैक रोकते हुए उसको गोल घुमाते हुए दूसरे पर मारते हुए उसको दूर फेंक देता है। और फिर वो मैंग जुआन के मास्टर लियू बाई को बोल रहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर इससे फाइट करने को छोड़ता हूँ, अब मैं यह दोनों को संभालता हूँ। और वो नीचे आ जाता है उन दोनों से फाइट करने को, जहाँ पर वो तीनों एक दूसरे के सामने खड़ा थे। तो तभी हम देखते हैं कि लियू बाई उस सैन हुआ से बोल रहा था कि मैं तुम्हें एक बार फिर पूछता हूँ क्या कि मैं तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो सैन हुआ तैयार नहीं था बताने को। और फिर तभी वो दोनों भी तैयार हो गए थे अपना वेपन निकाल के फाइट करने को, जहाँ पर लियू बाई एक बहुत ही पावरफुल क्रो का क्रिएट करके उस पर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि जो मैंग जुआन का फादर था वो भी उस डेमन से फाइट कर रहा था, जहाँ पर मैंग जुआन का फादर टाइगर फिस्ट टेक्निक का यूज करके उस पपेट का अटैक रोक रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लियू बाई था और सैन हुआ था उन लोग दोनों का बहुत ही भयानक फाइट हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे, ना तो कोई कम ना तो कोई ज्यादा, बिल्कुल बराबरी का। तो तभी हम देखते हैं जो मैंग जुआन का फादर था वो उन दोनों डेमन से फाइट कर रहा था। तो तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा पपेट जो है मैंग जुआन के फादर पर अपना सीक्रेट टेक्निक का यूज करके अटैक कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैंग जुआन का फादर वो दोनों को बहुत आसानी से अच्छा खासा टक्कर दे पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि मैंग जुआन का फादर ने उन दोनों को अच्छा खासा टक्कर दे के पीछे धकेल लिया था और उस दूसरे बंदे पर अटैक करने वाला था। लेकिन वो बंदा अपना कोई पावर यूज करना चाह रहा था और मैंग जुआन के फादर को वहाँ रोकना चाह रहा था, लेकिन अफसोस वह इसमें कामयाब नहीं होता है। और मैंग जुआन का फादर उसको बहुत ज़्यादा मारते हुए बोल रहा था कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रोकना चाह रहे थे, और उसको अच्छा खासा धुलाई कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लियू बाय और उस सैन हुआ के बीच में फाइट हो रहा था, जहाँ पर लियू बाय उससे बार बार पूछ रहा था आखिर में तुम्हें यहाँ पर क्या दिक्कत है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सैन हुआ वहाँ पर बकवास बकवास बात करते जा रहा था कि जैसे मैंग जुआन और जो टॉमिन फैक्शन है वो सब एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तुम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और जैसे ही वो लियू बाय थोड़ा सा डाइवर्ट होता है वो उस पर एक अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लियू बाई तो उसके अटैक से बच जाता है। तो तभी वो सैन हुआ बोल रहा था लियू बाई को कि तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा गुड डिजाइपल है मैंग जुआन वो जल्दी मरने वाला है, और उस पर नीडल से अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लियू बाई उस नीडल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, लेकिन वो नीडल्स फिर से लियू बाई पर अटैक करने को आते हैं, जहाँ पर इस बार नीडल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और वो लियू बाई का पीछा नहीं छोड़ रहे थे कुछ भी करने के बावजूद। यह देखकर लियू बाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक ही अटैक में सारे नीडल्स को दूर फेंक देता है। और फिर तभी वो कोई सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ का जो मौसम था वो पूरा चेंज हो गया था, पूरा बोले तो पूरा रेड कलर का दिखाई पड़ रहा था रेड टेक्सचर में। लेकिन हम देखते हैं कि जो सैन हुआ था वो उस पर अभी भी नीडल्स से अटैक करता है, जहाँ पर वो नीडल्स इससे पहले कि लियू बाई को लगता, लियू बाई उस नीडल्स से बचते हुए अपना सीक्रेट टेक्निक 3000 क्रो किल टेक्निक का यूज कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे क्रो एक साथ आके उस जो मून था उसको कवर कर देते हैं, और फिर तभी वो सारे क्रो वहाँ पर अलग अलग होके एक साथ मिलकर वहाँ पर सैन हुआ पर अटैक करते हैं, जहाँ पर सैन हुआ उन सारे क्रो से बचने लगता है, भागने लगता है, लेकिन अफसोस वो इसमें कामयाब नहीं होता है। और फिर तभी हम वहाँ पर मैंग जुआन के फादर का फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैंग जुआन का फादर था वो भी उस बंदे को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, उसका अच्छा खासा ढुलाई करते जा रहा था। तो तभी वो मैंग जुआन
जवान का फादर बोर होते हुए उस पर अपना अटैक करने लगता है पावरफुल, जहाँ पर वो पावरफुल अटैक के सामने वो डेमन कुछ भी नहीं कर पाता है और वो ज़मीन पर जाके जोर से गिरता है। तभी मैगजवान का फादर बोल रहा था कि अगर तुम यहाँ पर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं अपने थंडर टाइगर का यूज़ करता हूँ और तुम्हें यहाँ पर अच्छा खासा मजाक चिखाने वाला हूँ। और फिर तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो तभी हम देखते हैं कि लियू बाय उस सैनुआ से पूछ रहा था उसको मारते हुए, क्योंकि वो अभी बताने को तैयार नहीं था कि आखिर में वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कि वो आया है सैनुआ का रूप में। तो तभी वो सैनुआ मार खाते हुए बोल रहा था कि ठीक है अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ा हुआ हूँ। और फिर तभी वो वहाँ पर उस डेमोनिक पिल को अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो डेमोनिक पिल हम देखते हैं कि लियू बाय के बॉडी के आर पार हो जाता है, जिसके कारण लियू बाय का जो सोल था वो उसके बॉडी से अलग होने लगता है, वो भी अब जोम्बी में कन्वर्ट होने लगता है सोल वर्ल्ड में। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक पिल को उसका मैंगचुआन का फादर भी रोकने का कोशिश तो करता है लेकिन वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होता है और उसका भी सोल वहाँ से अलग होने लगता है उसके बॉडी से और वो भी वहाँ पर डेमन में बनने लगता है। तो तभी वो सैनुआ बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों प्रिटेंड कर रहा था सैनुआ के रूप में, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि आखिर में डोंगमिंग फ्रैक्शन का कौन सा नया किंग है जो कि इसको एक नया फ्यूचर में लेके जाने वाला है और तुम्हें पता है कि वो नया किंग कौन है, वह मैं हूँ। फिर तभी वो बोल रहा था कि लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है। और फिर तभी वो वहाँ पर अपने हैमर से जो उपाय था उसको मारता है, जिसके कारण वहाँ पर एक एनर्जी का वेव जनरेट होता है जिसके कारण उस लड़की को पता चलता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो डेमोनिक पिल अपना कहीं जा रहा था और जितने भी बंदे उसके रास्ते में आ रहे थे उन सबको सोल को अब्सॉर्ब करते हुए उनको डेमन में कन्वर्ट करते जा रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डेमन बनते जा रहे थे और बाकी सबको वहाँ पर डेमन में कन्वर्ट करते जा रहे थे। और वो डेमोनिक पिल अभी भी नहीं रुकता है, वो अपना काम तय करते ही जा रहा था, पूरा करते जा रहा था। और फिर तभी हम वहाँ पर कुछ गार्ड्स का सीन देखते हैं जो कि तैयार हो गए थे डोंगमिंग फ्रैक्शन के कचरे को साफ करने के लिए, लेकिन तभी हम वहाँ पर उस लड़की का सीन देखते हैं जो कि जब वहाँ पर आती है तो उसके ऊपर वो डेमोनिक पिल अटैक करता है। तो यदि कि वो लड़की बोलती है कि आखिर में यहाँ पर क्या हो रहा है ये सब अचानक से, और कोई अपना सीक्रेट टेक्निक का यूज़ करती है उस डेमोनिक पिल से बचने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो भी वहाँ पर बाकी सब की तरह जॉम्बी बन सकती थी। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर जो सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म किया था वो तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल निकला। यस, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था उसका परफॉर्म करने का टेक्निक देख कर। जहाँ पर वो तभी उस डेमोनिक पिल को कैच करने का कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेव जनरेट करता है, जहाँ पर यह सब चीज़ के बारे में जब बाकी सब डेमन्स को पता चलता है जो कि अभी ह्यूमन्स थे डेमन्स बने हैं उनको, वो सब यह चीज़ देख कर वहाँ पर जाने लगते हैं उसके डेमोनिक पिल के पास, जहाँ पर सारे गार्ड उस डेमोनिक पिल को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि कोई डेमन वहाँ पर पहुँच ना सके और वो डेमोनिक पिल को हासिल ना कर सके। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक चौराहा पर आके खड़ा हो गया था बीचों बीच, यानी कि चारों तरफ से अब ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने वाले थे। तो उन सारे डेमन्स को आता देख जो वो लड़की थी वो अपने सर्वेंट लोग को आदेश देती है कि यहाँ पर इन लोगों के सामने मरना मत, लेकिन हाँ यह भी ध्यान रखना कि तुम इन लोगों को मारो मत, बस यह कि जो सोल कंट्रोलिंग जो नीडल्स है उसका यूज़ करना इन सबको कंट्रोल में लाने के लिए। तो यह सुनकर वो जनरल बाकी सबको यह आदेश देता है ऐसा ही करने के लिए, जहाँ पर सब लोग यह देख कर जो जितने भी गार्ड्स हैं वो जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पर।